हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास को समस्त को स्वागत करुच्छे। मुझे अति प्रिय सर श्रवण सर, मोर यूट्यूब चैनल लर्नर चॉइस रे। पे आज आम जहाँ पढ़ाक जाऊे सी हूँ आम पठनीय सामंत गणित मेधावृत्ति परीक्षा एवं ये हूँ आम स्टेज वन। ओके, स्टेज वन जोटा कि आम षष्ठ श्रेणीपाई रही तार पूर्व वर्षर क्वेश्चन गुड़िक आम एठार आलोचना करवा। जो मैंने प्रथम थर पर चैनल को आसता निश्चय चैनल टी सब्सक्राइब करनब और जो मैंने आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करना तो डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी टेलीग्राम चैनल रे जॉइन कर एवं आमर ह्वाट्सअप ग्रुप तुम जॉइन करपर जहाँफल सब पीडीएफ गुड़िक जो क्लास होगुड़ तुम्हें पाइपर। ठीक अच्छे पे आउ सब बड़ कथा है जो मैंने वर्तमान क्लास करुच जदि तुम सांग पठाणी सामंत गणित मेधावृत्ति परीक्षा दे तुम सेयार करपर आई भिडियो गुड़िक संपूर्ण फ्री अच्छी से कौन फिज तुमको देवा पड़बना। तो आज आम एठार पूर्व वर्षर जो क्वेश्चन गुड़िक रही कतोटी इम्पोर्टाट क्वेश्चन आम एठार आलोचना करवा जोटा कि तुम परीक्षापी भेरी भेरी इम्पोर्टाट। ओके, तो देखा प्रथम क्वेश्चन टी कौन रही। प्रथम क्वेश्चन टी दत्त चित्र रेखांकित क्षेत्र क्षेत्रफल निर्णय कर। देख गोटे क्षेत्र देती रेखांकित क्षेत्र भी देती प्रथम आम एटे जी करवा प्रथम ना देदे देख ए बी सी डी। ओके, भितरटा ना देदे पी क्यू आर एस। देख प्रथम आमर ए बी सी डी क्षेत्र को देख ए बी सी डी हूँ गोटे कौन ना ए बी सी डी हूँ गोटे आयत क्षेत्र। आयत क्षेत्र जो दैर्घ्य रही ए बी सी हूँ 12 मीटर। ओके, दैर्घ्य केते दैर्घ्य होची 12 मीटर। तापर आमर प्रस्त प्रस्त पिला माने केते ना प्रस्त होची आमर बी सी ताले प्रस्त बी सी होची 8 मीटर। से जेहेतु एठारे क्षेत्रर क्षेत्रफल कथा पचारिची तेणु तार क्षेत्रफल आम बाहर करवा तार क्षेत्रफल केते हबो क्षेत्रफल सूत्र आमको जणा अछि दैर्घ्य गुणन प्रस्त तो 12 गुणन 8 आमर केत फल आसला क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर। ठीक सेमती आम आम नेक्स्ट चतुर्भुज जो रही भितर वो चतुर्भुज पिक्यूआरएस को जीवा पिक्यूआरएस पिक्यूआरएस रे पिक्यू के पिक्यू हूँ पे 5 मीटर आउ आमर जो क्यूआर रही तार प्रस्तटा सी हूँ 3 मीटर। ताल यार क्षेत्रफल आम बाहर करवा तो यार क्षेत्रफल जेहेतु आयत क्षेत्र से सामान दैर्घ्य गुणन प्रस्त 5 गुणन 3 समान 15 वर्ग मीटर। देखिले पिला माने ए जो बड़ आयत क्षेत्र रु ए छोट आयत क्षेत्र को ए जो छोट आयत क्षेत्र रहिला याको जदि हम अलग कर दोचे ताले भितर जो रेखांकित अछि तार क्षेत्रफल बाहर पड़िबो। ताले आमे रेखांकितर क्षेत्रफल देखिबा रेखांकित क्षेत्रर क्षेत्रफल रेखांकित क्षेत्रर क्षेत्रफल केते हबो ना टोटल होची आमर 96 वर्ग मीटर। 96 वर्ग मीटर रु आम कौन करवा 96 वर्ग मीटर रु 15 वर्ग मीटर को वियोग करवा 96 रु 15 गले 6 रु 5 गले 1 9 रु 1 गले 8 ताले केते आसला 81 वर्ग मीटर। देखिल 81 वर्ग मीटर ऑप्शन रे अछि कि नै अछि ऑप्शन सी। ओके, तो यार जो करेक्ट आंसर आसीबो सी हबो ऑप्शन सी। तो एथिरे आमे प्रथमे कौन कले ना प्रथमे जो बड़ आमर चतुर्भुज रही ए बी सी डी रो क्षेत्रफल बाहर कले क्षेत्रफल आसला 96 वर्ग मीटर। तापर छोट क्षेत्र क्षेत्रफल बाहर कले तार आसला 15 वर्ग मीटर। ताल बड़ क्षेत्रफल रु छोटी क्षेत्रफल को जब वियोग करवा आमर रेखांकित अंशटीर क्षेत्रफल मिलजिव एवं रेखांकित जो आम क्षेत्रफल केते हला 81 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, आशा करुच्ची समस्ते क्लीयर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करवा। देख सी एटी कहला एल वन ओ एल टू रेखादय परस्पर समांतर प्रदत्त चित्र एक्स मान के जो एक्स रैल्यू से पचार। देख एटी जो चित्रटी देती पे मैंने आउ थे मुझे चित्रटी को करुच्ची। ओके, ये दे 91 डिग्री ये गार स्ट्रेट अच्छी आए दे 122 डिग्री एटी दे एक्स। ठीक अच्छे आपको जो सल्व करवा देख सी कही यहाँ हूँ आम एल वन आए हूँ आम एल टू जदि एल वन एल टू परस्पर समांतर। ओके, एल वन इज पैरेलल टू एल टू
दुटा भितर डिफरेंस केते थिबो ना 180 डिग्री के कहा को छिंडीबे नाही ताहले ए जो एंगलटा आसीबो सपोज मु या ना दे दोची या ना दोची एक्स या ना दोची ना एक्स तो हमरो एंगलटा दिछि या ना देउछि मन करो ए या ना मन करो बी ए हला सी डी देन ई देन एफ देन जी देन एच देखो तो वर्तमान आम कौ एंगेलटा बाहर करवा एंगेल ए बी जी एंगेल ए बी जी माने ए एंगेलटा जोटा एटा केते आसीबो ना 180 डिग्री माइनस केते 91 डिग्री केते आसला 99 डिग्री ठीक सेमती एठारे देख पिला माने ये जो रहिला हमर 122 डिग्री याको जदि आम ए भलिया स्ट्रेट गोटे गार टाणी देवा ताले ये जदि 122 होची एंगेल आमर एच डी सी एंगेल एच डी सी इज इक्वल टू एंगेल एटि मन कर मु देली ई एफ जी एटी एच दी ओके एच दे मन कर ई एच डी ताहले एंगेल एच डी सी इक्वल टू 122 डिग्री हबो ओके ये जदि 122 डिग्री हला ताले भितरपट एंगेलटा केते हबो भितरपट एंगेलटा कोटा भितरपट एंगेल होची पिला माने हमर एंगेल बी डी सी एंगेल बी डी सी केते आसीबो जेहेतु दुटा जाक मिसले 180 डिग्री तेणु 180 डिग्री रु 122 डिग्री वियोग कर 180 डिग्री 122 गले 10 रु 2 गले 8 एबरे हला 17 17 रु 12 गले 5 58 डिग्री ताहले एबे एठी जो रहिछि एई जो ट्रायंगलटा रहिछि ए ट्रायंगलटा मठी बनोछि देखो एबे ट्रायंगल रहिछि आउ ये रहिछि एक्स डिग्री वर्तमान एपट एंगेल आसी जाइछि हमरो 58 डिग्री आउ एपट एंगेल आसी जाइछि 89 डिग्री काहे कि ना यार प्रतिपकोण ये तेणु वर्तमान एंगेल एक्स काढ़ा आमको बहुत सहज आम 180 डिग्री रो ए दुटा जाक एंगेल को मिसेकि माइनस करवा 58 डिग्री प्लस 89 डिग्री ताल 180 डिग्री फेराण 58 रु 89 मिश्रण कर 8 9 17 8 5 13 एक 14 ताल 180 रु 147 गले आमर आंसर केते आसीबो ना 47 3 50 50 ले 50 30 ओके 33 डिग्री केते डिग्री आसीला 33 डिग्री ताले यार जो करेक्ट आंसर आसीबो पिला माने सेना केते डिग्री आसीबो 33 डिग्री आसीबो एंगल एक्स देख मु कोन कली देख एठारे प्रथमे कोन करिछ एक प्रथमे बुझि नै जदि सेइटा बुझि परिबो ताहेले तुम गणित ठीक रे बुझि परिबो देख प्रथमे पिला माने एइटा एइटो देथला 90 91 डिग्री मु एइ जो एंगलटा एइ जो गार रहिला हो एइ जो गार रहिला एटा परस्पर समांतर तेनु एइ एंगलटा आ एइ एंगलटा दिरा जाक एंगल मिसिले 180 तेनु मु एंगल एबीजी माने तळ एंगलटा आराम रे काढ देली 89 जदि ए हि जाउची 89 ताहेले तळ जो रहिची एइ एंगल हि जइबो 89 ठीक सेमति ये जेहेतु 122 जेहेतु एठारे आमको देइछि कोन ना एठारे आमको देइछि जे 122 कथा जो कहिला 122 एठी हला 122 ताले यार एकांतर ये मध्य हबो 122 जदि 122 हला आ गोटे एंगल केते आसीला 58 डिग्री वर्तमान ए भितरर ट्रायंगल आमे नेले ट्रायंगल रे एंगल एक्स बाहर करबा तार त 180 डिग्री रु ए दुटा एंगल को जोग कर बाहर कले आमर आंसर बाहरी पड़ला ताले आमर आंसर केते आसीला 33 डिग्री आमर ऑप्शन सी रे अवेलेबल अछि तो ऑप्शन सी हो छि आरो करेक्ट आंसर ठीक अछि पिला माने आगो को बढ़िबा परवर्ती प्रश्न को देखो दत्त चित्र रे डीज डी आउ डीबी मध्य रे से कछि डीई डीई आउ डीबी ए जो गारटा देला डीई ए गारटा ये अछि कोन लंब आकार रे अछि का सहित बीडी सहित आउ एंगल बीडी देला 90 डिग्री एंगल बीडीई एंगल बीडी देछि 90 डिग्री एम एंगल एक्स केते बोल से पचाछि देखो प्रथमे आज आमे एठी ट्रायंगल ए बी सी नि जबा प्रथमे यदि ट्रायंगल ए बी सी नेबा ताहले एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू केते डिग्री पिला माने 180 डिग्री एंगल ए केते एंगल ए आमको जणा नाही तापर आमे कोठी कि जीवा आमे तापर जीवा एंगल बी को एंगल बी केते डिग्री 90 डिग्री एंगल सी केते डिग्री 60 डिग्री
ताहले तीनटा जाक मिसले 180। ताहले एंगेल ए के एंगेल ए हूँ 180 डिग्री माइनस ये हम 150 डिग्री। ताहले एंगेल ए के डिग्री आसला 30 डिग्री। ताहले एठी आम लिखिपर 30 डिग्री। एबे एंगेल टोटल ए के आसला देखो टोटल एंगेल ए आमर आसला एबे 30 30 60। ओके वर्तमान आम एठी ट्रायंगल ए बी डी नबा हला ट्रायंगल ए बी ट्रायंगल ए बी डी रे एंगेल ए प्लस एंगेल बी प्लस एंगेल डी तीनटा जाक मिसले के 180 डिग्री। एंगेल ए आमर के आसला टोटालटा 30 30 60 डिग्री। एंगेल बी के बी आम 90 डिग्री जानचे आउ एंगेल डी के डी आमको जाना ना आमको बाहर करार अच्छे एंगेल डी। ताहले एंगेल डी के आसब एंगेल डी हम 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। ताहले एंगेल डी के एंगेल डी एठार आसी जा 30 डिग्री। ओके एंगेल डी के आसला एंगेल डी आसला 30। आम आगु जाने एंगेल बी डी जो अच्छी एंगेल बी डी ये हूँ 90 डिग्री। आमको पचार एम एंगेल एक्स ताहले एम एंगेल एक्स के एम एंगेल एक्स हम टोटालटा जो एपटा होती के डिग्री 30 डिग्री टोटालटा 90 ताहले एम एंगेल एक्स इक्वाल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ताहले उत्तर आमर के आस 60 डिग्री। ताहले एम एंगेल एक्स केम एंगेल एक्स हूँ 60 डिग्री जोटा कि आमर ऑप्शन सी रे अवेलेबल अच्छी बुझेगा पे मैंने प्रथम ट्रायंगल एबीसी तापर ट्रायंगल एबीडी ये दुटा जाक बुझीपार जेहेतु आम त्रिभुजर तीन कोणर परिमाण समष्टि 180 डिग्री तेणु यह सूत्र पड़ा एटी मैं त्रिभुजर तीन कोणर परिमाण समष्टि तेणु ये सूत्र सामान सूत्र पड़ा एवं आमर आंसर बाहरी पड़ा। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करवा नेक्स्ट क्वेश्चन देख से गला पार्श्वस्थ चित्र केते अंश छायावृत। तो ये पार्श्वस्थ चित्र रे हमें प्रथम ना दे देदेव देख ए या ना मन कर दे डी या ना दे सी या ना बी ए बी सी डी। ओके ए बी सी डी या ना दिगला इ ताहले एठी ट्रायंगल ए सॉरी ट्रायंगल कछ ट्रायंगल डी सी रो क्षेत्रफल डी सी रो क्षेत्रफल। ओके डी ई सी ए टोटल क्षेत्रफल के आसो एंगेल ए डी ट्रायंगल ए डी रो क्षेत्रफल ट्रायंगल ए ई डी रो क्षेत्रफल ए डी रो क्षेत्रफल प्लस ट्रायंगल बी ई सी रो क्षेत्रफल। ओके ताले एठारे आम कौन जानले एठारे आम जानले जे छायाकृत अंश डी सी रो ये जो छायाकृत अंश डी सी रो केते अंश ना डी सी रो दुई विभक्त तीन अंश। ओके डी सी रो केते अंश दुई विभक्त तीन अंश कहीं आम सामान सामान भाग करवा देख ये जदि भाग करवा टोटाल ये एक एटी गोटे गार पड़ब एटी गोटे गार ये गोटे गार ये गोटे गार एक दो तीन। ओके तो टोटाल कथा से कही पे तीस रुव्यक्त तीन अंश तापर ए डी सी बी सी प्रत्येक केते अंश ना प्रत्येक हूँ एंगेल ए ट्रायंगल ए डी ई ओ ट्रायंगल बी ई सी रो प्रत्येक एक विभक्त तीन अंश केते अंश है एक विभक्त तीन अंश ताले समस्त छायावृत अंश हेले ताले समस्त छायावृत अंश केते आसिब समस्त छायावृत अंश व चित्रित अंश आसिब एक विभक्त दुई केते आसिब एक विभक्त दुई। ठीक अच्छे ये हूँ आमर करेक्ट आंसर जोटा कि ऑप्शन ए हम।
नेक्स्ट टाइम मूव करिबा परवर्ती क्वेश्चन को देखो एक भी एक बाय एक पुन एक गुणन दुई तापर आसला एक बाय दुई गुणन तीन तापर आसला एक बाय तीन गुणन चार या को वर्तमान आमको सॉल्व करिया को पड़िबो। तो देखो याको हम सॉल्व करिबा याको हम केमदि लेखि परिबा देखो पिला माने ए प्रथम हला एक गुणन एक बाय दुई बोले केते आसीबो एक बाय दुई आसीबो एक बाय छ आसीबो एक बाय बार आसीबो ए बोले डॉट 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 एटा आसीबो एक बाय नौ नौ शून शून ए बोले आसीबो तार्थ आमे ए जो एक बाय दुईटा जोटा फास्ट आ देछि ताको आमे लेखि परिबा एक पूर्ण एक बाय दुई तापटा सेमती एक व्यक्त छ को लेखि परिबा एक बाय दुई माइनस एक बाय तीन ठीक से नेक्स्ट लिखि परिबा एक बाय दू एक बाय तीन माइनस एक बाय चार एमती डट 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 आम के लिखि परिबा एक बाय अनेशत हरण एक बाय शहे ओके तापर देख पिला माने एमती जदि लेखुचे प्रथमे एठी केवल जानिया पे मु लेखु छी देखो एक बेरण एक बाय दुई मिशाण एक बाय दुई फेरण एक बाय तीन मिशाण एक बाय तीन एमती डट 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 हे कि लास्ट को केते जाय जीवो एक बाय शहे जाय जीवो एक बाय शहे जाय गले ए माइनस वन बाय टू आ प्लस वन बाय टू तेरा कटि गला माइनस वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री कटि गला एमती कटि कटि शेष लास्ट एठी एक ही बढ़ आपटे एक बाय शहे बढ़ ताहले एक रु एक बाय शहे आमको माइनस करिया को पड़िबो तो एठी लसा को आसीबो केते लसा को आसीबो शहे शहे के शहे फेरण एक ताहले केते आसला अनेश्वत विभक्त शहे अनेश्वत विभक्त शहे देख ऑप्शन फर्स्ट रे अवेलेबल अछि एरे तनो यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन ए एठी सब जगह खेल रहिला केवल ही सेकंड स्टेप रे आमे एक गुणन एक बाय दुई को केमती लेखिबा ए भाई भाव में लिखा लिखला फल ऑटोमेटिक कटि जाऊँगी लास्ट एक बाय शहे बोलूँ एवं आमर आंसर आसला अनेश्वत विभक्त शहे ओके आशा करुच्छे समस्ते गणित गुड़िक बुझीपारी यदि बुझीपार भिडटी को लाइक करम सांग को सेयार करदेव तुम मान सहित देखा नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी थैंक यू लव यू।